अरे कबाड़ी वाला भी कबाड़ी वाले वेलकम बैक ऑन माई यूट्यूब चैनल। सो हर बार की तरह इस बार भी मैं लेकर आई हूँ सबसे फनीएस्ट वेडिंग वीडियो क्लिप, जिसे देखकर आपका दिन बन जाएगा और आप हो जाएंगे हंस हंस के लोटपोट। और आपको रियलाइज होगा कि यार इस दुनिया में कितने अजीब लोग हैं, इतना कॉन्फिडेंस लाते कहाँ से हैं जो इतनी अजीबोगरीब हरकतें करते हैं। फिलहाल ये भाग क्यों रहे हैं ये मैं आपको बाद में बताऊंगी। और यस, अगर आपको ये वीडियो देखकर थोड़ा सा भी मज़ा आए तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, ताकि मुझे आपका मैसेज मिल जाए कि हाँ आपको ये वीडियो पसंद आई। और अपने पेरेंट्स को ज़रूर शेयर करना, उन्हें देखकर हंसता हुआ आपको भी बहुत खुशी होगी। तो चलिए, डिफरेंट लगने के लिए कैसा भी वीडियो शूट कराते हैं। अभी मैडम को देखे, इन्होंने जिम को सोचा क्यों ना यहाँ वीडियो शूट कराऊं। और कोरोना के चक्कर में इन्होंने तो डंडे से ही एक दूसरे को माला पहना दी। और इस कपल को देखिए, इन्होंने बिना अपनी जान का जोखिम के बारे में सोचते हुए सीधा वीडियो शूट कराया रेलवे ट्रैक पर। इन्होंने कुछ नहीं सोचा कि ये कितना डेंजरस हो सकता है। और जैसे ही इस बारे में रेलवे विभाग को पता चला, उन्होंने अच्छे से लताड़ा। ये कौन सा वीडियो बनाने का सोच चल रहा है यार, पागल भर का बिल्कुल भी। बीट पटरी पे लेट के वीडियो बना रहे हो, अभी ट्रेन निकल जाएगी पता भी नहीं चलेगा। मजाक बना रखा है जबरदस्ती का, डेंजर जो नहीं समझ नहीं आता आप लोगों को। चलिए बगी जाते रहिए। साउथ इंडियन मूवीज तो फालतू में ही बदनाम है। अब जरा इस कपल को देखिए, क्या डेयरिंग फोटो शूट करा रहे हैं, बिल्कुल साउथ इंडियन मूवी जैसा। पूरा जेसीबी का अरेंजमेंट किया है इन्होंने सिर्फ कुछ अच्छी वीडियोस और फोटोज लाने के लिए, ये सोचे बिना कि अगर इतनी ऊपर से नीचे गिरे तो क्या हाल होगा। और इस लड़के ने तो हद ही कर दी। ये था WWE का बहुत बड़ा फैन, तो इसने अपनी बीवी को इस तरह से पटकरी दी और सोचा कुछ ऐसा है। और ये साउथ इंडियन कपल को देखिए, ऐसे ऐसे टेढ़े मेढ़े इन्होंने पोज दिए हैं। और हैट्स ऑफ टू दिस बॉय, ये तो बेचारा शादी से पहले ही उल्टा हो गया। और अच्छी फोटो देने के लिए ये इसी पोजीशन में कितनी कितनी देर तक खड़े रहे। और ऐसा नहीं है कि इनका साथ इनके दोस्तों ने नहीं दिया, इस पागलपंती में इनका साथ इनके दोस्तों ने भी दिया था। और ये सब करने के लिए एक अच्छे कैमरामैन का होना बहुत ज़रूरी है। और ये देखिए इस कैमरामैन को, इसने किस तरीके से इस कपल की फेरो लेते हुए वीडियो या फोटोज़ ली हैं। और इस कैमरामैन ने तो बिना कुछ सोचे पेड़ पर उल्टा लटक गया। और अगर ये कहीं गलती से ऊपर से नीचे गिरता तो अच्छे से इसका मुंह टूट जाता। मतलब लोग अपने प्रोफेशन को लेकर कितने सीरियस होते हैं, ये देखिए। अब आपको मैं एक और कैमरामैन से मिलवाती हूँ, इस बच्चे से। आई डोंट नो इस ये किस तरीके की फ़ोटो ले रहा है, आगे कभी पीछे कभी दाएं कभी बाएं, बहुत ही सीरियस हो के ये इसे किसी अरे 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 फ़ोटो लेते लेते वो डांस भी कर। सबसे मज़ेदार ये है, ये कैमरामैन लड़की की फ़ोटो लेने के लिए उसको इतना फोकस कर रहे थे कि दूल्हे को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई और उसने इस बात पर कर दिया एक चांटा रसीद। और ये देखकर दुल्हन से हंसे बिना नहीं रहा गया और वो हंसते हंसते ज़मीन पर ही बैठ गई। और चलो कैमरामैन भी हमारे थोड़े हंसमुख स्वभाव के थे तो उन्हें भी कुछ बुरा नहीं लगा और उन्होंने भी ये बात हंस के निकाल दी। ब्राइडल एंट्री कितनी इम्पॉर्टेंट होती है ये तो अब हम सब जानते हैं। लड़कियाँ कोई बाइक पर आती है तो कोई डांस करते हुए आती है। और अगर ब्राइड का फेवरेट सॉन्ग ना चले तो ब्राइड का पूरा ही मूड ऑफ हो जाता है। अब इन मैडम को देखिए, ये भूल ही गई कि ये कैमरे पर है और इन्होंने अच्छी खासी गाली दे दी। और बाद में जब इन्हें रियलाइज़ हुआ तो बहुत देर हो चुकी थी। सो जब इन मैडम का फेवरेट सॉन्ग डीजे वाले बाबू ने नहीं चलाया, मुँह से निकल गई गाली जो हुआ बाद में रिग्रेट। पहला वाली बजा तू बहन, क्या कर। और इस दुल्हन ने तो रिकॉर्ड, इस दुल्हन ने तो अड़ गई कि मैं अंदर जाऊंगी ही नहीं जब तक मेरा फेवरेट सॉन्ग नहीं चलेगा। इतना हंगामा मचा दिया एंट्री से पहले कि जब तक मेरा फेवरेट सॉन्ग, फाइनली लड़की का फेवरेट सॉन्ग चला तब जाके मैडम ने एंट्री ली। अगर आपके घर में भी शादी है तो ये सारे अरेंजमेंट पहले ही कर लेना, ताकि लास्ट मोमेंट पे हंगामा ना मचे। तो आइए, इनके साथ जो हुआ वो तो किसी के साथ ना हो, किसी ने पार्टी पॉपर कराया और ये दूल्हे राजा तो डर गए। और अपनी ऐसी इंसल्ट होते हुए देखकर बाद में उन्होंने पीछे वाले बंदे को ही डांट दिया जिसने पार्टी पॉपर चलाया था।
और लेकिन अब सारे में तो हंगामा हो ही गया होगा ना कि दूल्हा तो डरपोक है। चलिए अब हम देखते हैं दूसरी क्लिप, और इसमें ये दोनों को ज़्यादा ही डेयरिंग बन रहे थे, लेकिन दुल्हन की गन ने कर दिया बैकफायर और उनके मुंह पर आकर इतनी ज़ोर से बैकफायर हुआ, जो इसके आगे क्या हुआ ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। और इस दूल्हे राजा का तो वरमाला करते समय पजामा ही नीचे गिर गया, और हंसी की बात ये थी कि इन्हें पता ही नहीं चला कि इनके साथ क्या हुआ है। जब आसपास वालों के हंसने का शोर बहुत ज़्यादा हो गया, तब जाके इन्हें थोड़ी देर बाद रियलाइज़ हुआ कि शायद इनका पजामा नीचे हो गया है। बहुत देर तक तो ये पता ही नहीं लगा पाए कि लोग इतना हंस क्यों रहे हैं। फिलहाल जैसे ही इन्हें पता चला, इन्होंने अपना पजामा धीरे धीरे ऊपर कर लिया टेंट के पीछे जाके, और दुल्हन ऐसे बिना नहीं रह पाई। और ये गुस्से वाले दूल्हे को देखिए, ड्रोन से वरमाला आई थी, जो कभी ऊपर हो रही थी, कभी नीचे हो रही थी, कभी ऊपर हो रही थी, कभी नीचे हो रही थी, और दूल्हे राजा इतनी सी ही बात पर फ्रस्ट्रेट हो गए। उन्होंने माला को हाथ से नीचे खेल लिया, ड्रोन गिरा तो गिरा, बेचारे ड्रोन वाले का भी बड़ा नुकसान हुआ क्योंकि ड्रोन टूट गया। इतना भी गुस्सा किस काम का। बीवियां तो पति को सुधारने के लिए ही शादियां करती हैं, तो इधर देखिए ये मिस्टर अपनी ही शादी में तंबाकू खाकर आए थे, और जैसे ही ये बात दुल्हन को पता चली उससे बर्दाश्त नहीं हुई और उसने सारी पब्लिक के सामने उसको डांटा, लेकिन हमारा दूल्हा शरीफ था, उसने बिना गुस्सा करे तंबाकू थूक दिया। उठ कैसे लोगे मंडप में सर, ऐसा नहीं है कि तंबाकू सिर्फ लड़के ही खाते हैं, हमारी लड़कियां भी कुछ पीछे नहीं हैं। इन मैडम को देखिए, घूंघट के नीचे अच्छे से तंबाकू चबा रही हैं बिना ये सोचे कि लोग क्या कहेंगे। और इस कपल को देखिए, ये मिस्टर अपना फ़ोन पीछे लेके हेल्प मी यानी कि मुझे शादी से बचा लो का मैसेज दे रहे हैं। देखिए फ्रेंड्स, एक वीडियो को बनाने में बहुत टाइम लगता है, बहुत सारी छोटी छोटी क्लिप्स को कलेक्ट करना पड़ता है, एडिटिंग करनी पड़ती है, ताकि आप लोग देखकर एंजॉय कर पाएँ, आप सब बैठकर अपनी फैमिली के साथ हंस पाएँ। तो अगर आपको सच में अच्छी लगे वीडियो, सब्सक्राइब कर देना, सुपर थैंक्स देना चाहें, तो फिर तो बात ही क्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस कपल को की शादी हो रही थी, अब पता नहीं ये ब्लू साड़ी वाली मैडम इनकी एक्स लवर हैं कि क्या हैं। वो उनको धीरे से इशारा कर रही थी कि अभी भी टाइम है, भाग चलो वरना तो तुम यहीं रह जाओगे। ज़रा दोनों के एक्सप्रेशन देखिएगा, स्पेशली ब्लू साड़ी वाली के। इन मैम को देखिए, ये मिमिक्री में नंबर वन है, और यही मिमिक्री इन्होंने अपनी शादी के टाइम पर जब ये रेडी हुई इन्होंने करी, और सब हंसे बिना नहीं रह पाए। अरे कवाड़ी वाला भी, कवाड़ी वाले। और इस भोले से लड़के को देखिए, इस मिस्टर को ये पता ही नहीं था कि सिंदूर या टीका अपने लगाना है, लड़की के लगाना है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने पंडित जी के ही लगा दिया, और ये देखकर पंडित जी ने उन्हें बोला अरे ये क्या कर रहे हो। और ये सब देख के सब लोगों को हंसे बिना नहीं रहा गया। और ये पंडित जी तो बड़े ही मज़ेदार हैं, इन्होंने कुछ इस तरह शादी की रस्मों को सबको बताया कि उस मोमेंट को बड़ा ही इंजॉयबल बना दिया। देखिए किस तरह ये समझा रहे हैं दूल्हा दुल्हन को शादी के नियम कर रहा है। अभिषेक जी एक बात समझ लो, तू कहते हैं कि मैं अभी आ रही हूँ, तो समझ लेना आध घंटे से पहले नहीं आई। अगर आपकी इनकम 1 लाख है तो घर वाले को 80,000 बताओ। दोस्त ऐसे ऐसे मजाक करते हैं जिसकी कोई हद नहीं है। अब इन मैडम को देखिए, अपनी फ्रेंड को झाड़ू, एप्रन, पता नहीं सफाई करने की क्या क्या चीज़ें गिफ्ट कर रहे हैं। और इन लड़कों को देखिए, ये एक खाली डब्बे में इतनी सारी पैकिंग कराकर ले आए स्टेज पर, ये दिखाने के लिए कि ये कितना बड़ा गिफ्ट दे रहे हैं। लेकिन जब कपल को पता चला कि ये सिर्फ एक खाली गत्ते का डब्बा है, तो उस बात पर सब हंसे बिना नहीं रह पाए, और इस सब का मज़ा सबने हंसते हंसते खूब उठाया। और इसी के साथ इन मिस्टर ने तो रिकॉर्ड ही तोड़ दिया। अचानक से स्टेज पर एक लड़की ने आकर एक दूल्हे को हग कर लिया, और ये देखकर दुल्हन का तो जैसे पारा ही हाई हो गया। उसको समझ ही नहीं आया कि ये हो क्या रहा है, ये कौन है जिसने आकर मेरे हस्बैंड को इतना टाइट से हग कर लिया है। जरा दुल्हन का मुंह देखिए, खुला का खुला ही रह गया है। लेकिन जब दूल्हे ने उसे साइड किया और उस जानने की कोशिश की कि आखिर ये माजरा क्या है,
तब जाके सबको पता चला कि ये मिस्टर कोई और नहीं इन्हीं के अपने बेस्ट फ्रेंड हैं। और तब उन्होंने एक दूसरे को गला घोटते हुए गले लगा लिया और सब हंसे बिना नहीं रह पाए। तो आप भी ऐसी मस्ती अपने दोस्तों की शादी में कर सकते हैं। इन मैडम ने तो अपने हस्बैंड से एक लंबा चौड़ा कॉन्ट्रैक्ट ही साइन करा दिया कि ये कभी भी बाहर का खाना नहीं खाएंगे, हर बात पर यस करेंगे, उनको हर महीने एक नई साड़ी दिलाएंगे। और ये कॉन्ट्रैक्ट लड़के ने भी हंसते हंसते साइन कर दिया। अब ये नहीं पता कि लड़के के घर वाले इस बात से कितना खुश थे। विदाई एक ऐसा, लड़की की विदाई एक ऐसा मोमेंट होता है जिसे देखकर सबका दिल भर आता है। और यही हुआ इस लड़की की दादी के साथ, जो अपनी बेटी को जाते देख, अपनी पोती को जाते देख इतनी दुखी हो गई। तब इनकी पोती ने इन्हें प्यार से समझाया और उन्हें ये बात समझ आई। ये नहीं मैं, खाली 10 किलोमीटर, जब फोन करना आ जाओ। ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और जल्दी आऊंगी मैं नई वीडियो के साथ।